हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के अपन छत्तीसगढ़ी चैनल सीजी व्लॉग्स में, और मैं जागृति आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। रुको उती पर पकड़ तो नहीं के तो संगवारी हो, और मैं रेडी भी हो चुके हूँ, और आज से आप मन ला सफ़र वाला ब्लॉग देखे पर मिली मैं बता रहे हूँ, और मो देवर भी आगे है। तो ये निकेश नहीं जाते, नरेश जाही साथ में। तो अभी पापा पर मैं बना दे हूँ चीला, और अभी दिखा था मतलब ये मोर पापा जी खाते चीला, और एक बार मोर पति देव और मोर देवर बाबू करे थे गाड़ी में पैकिंग, वो भी दिखा था। तो ये देखो ये मन बैठ के कुछ तो करे थे अंदर में, साफ सफाई करे थे। एक लुंगी वाले बाबा भी बैठे हैं, क्या करे थोड़ी फास्टैग का स्टिकर चटका रहे हैं, टोल फ्री जो जो टोल ना काटा उसके लिए। तो मेरे से गद्दा रख लेना ना, हाँ पीछे। तो ये मन कर रहे थे पैकिंग वगैरह, अभी पूरा डाले नहीं है नो में, तो चलो चलते ना अंदर। ये देख रुद्र भी रेडी हो गए। निकेश तू चीला खाएगा? हाँ तो चलो अभी अब बना दे तो मैं चाय वगैरह बनाऊँ, तो ब्लॉग में बने रहो। है पापा? हाँ बना रही हूँ पापा। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ चाय सब छंदर। रुद्र क्या कर रहे हो बेबी? तो मैं नरेश से दूध मंगवा ले रहे हो, तो अभी ये बनाना था मैं चाय, काबर की चाय पी के निकलबो। और अरे रबड़ था बेटा मेरे, जरा तो पूछ के लाना है। तो संगवारी हो, सबसे पहले आज हम निकलबो, अब आप मतलब बता ही देखा हूँ। तो आज सबसे पहले हमार रही शायद रतनपुर जाबो, और वहाँ आप मतलब राजा के महल वगैरह भी देखे बस मिली है। ब्लेड नहीं है, चाकू है दे। ब्लेड तो मम्मी पापा से पूछ। तो चलो मैं चाय बनाता हूँ, फिर आप मतलब मिलता हूँ। तो आज सबसे पहले हम जाने वाला है रतनपुर, और वहाँ से फिर माता के दर्शन करके फिर अपन आगे निकलबो, और आगे फिर ओकर बाद का गोल्डन आइलैंड का का नहीं पता मोला, पति देव ही बताही। तो अभी सबसे पहले और चीज नहीं ना रुद्र मत करो, क्या चीज मांग रहे हो? ब्लेड हो गया, निकल गया। मिनट की मशक्कत के बाद खुले। तो मैं 1 लीटर दूध मंगा ले रही हूँ खबर के साथ पीवो करके नरेश के पास, और इसी बार अब मैं बनाने वाला हूँ पापा का चीला। नहीं पापा खा डाली थे, पापा के टिफिन में बनाने वाला हूँ। ये देख सकते हो गर्मा गर्म मैं बनाने वाला हूँ चीला। तो चाय पिएगा निकेश? चाय पिएगा? इतना बनना फ्लैश का देखो। पापा, ये मम्मी, ये मेरे निकेश, ये मेरा, ये तेरे भैया का, इतना सारा बनेगा। चलो बाकी तो संगवारी को चाय बन चुकी है, और एक बार चीला भी गर्मा गर्म बनते हुए देखो इतना बनती चीला। चाय अभी अपन कर देखो बन गई। तो संगवारी हुए मेरे जल्दी जल्दी में सब जन पर चाय ढालत हूँ, और हमला जल्दी निकलना भी, तो बस चाय पीबो और निकलबो। और कौन कौन ला चाय पीना पसंद है, गर्मी हो या ठंडी, कमेंट करके जरूर बताओ।
अगर बोला आज ना भाभी अच्छा नहीं बनाएगा तो ये देखो मोर मम्मी भी पहन ले है रुपिया ला हाँ मम्मी बोला थे कर दो ठो बनवाबो करके हाँ तो एक ठो मम्मी पहनी और एक ठो मैं पहनी सुन रहे हो अरे मम्मी एक मम्मी और चांदी के देख डोकरी दाई में रख रही से एक पहनी के गहना है तो सब सियान सियान मन पहना ना जेन तेन अभी के नया वाला ही मां आते है ना तैला मन दो ठन बनवाबो दो ठो पहन मां एकदम खाना हो गए ना एकर कारण दो ठन बनवाबो दोनों बहु ने सास बहु पहन के दोनों ने पहन के ठीक है सुन रहे हो उसी को दो ठो बनवा के लाना था उसी टाइम ने नहीं अभी बनवा लेबे अम्मा कहीं ई मुंह को कैसे बना मम्मी के लिए सूता लाए थे क्यों कहाँ गया ये देखो संगवारी हो पैसे लगा थे सास बहू के जोड़ी है दोनों रुपया तो मम्मी पहने ओरिजिनल वाला और मैं सिक्का वाला पहने हूँ तो फिर भी और थोड़ा झना हो गया तेकर पति मम्मी बोला तेला दो करबो करके तो वाकई में ला कवर्धा भेज के ना फिर से वहाँ से कर देंगे ना देला दो ठन करवाबो और दोनों पहनबो और बनाबो आदत तो संगवारी हो ये देखो इतना सारा सामान है और देवर बाबू अब उठाने वाला है पापा तो छोड़ने जाएंगे क्या बाहर हैं यहीं पर से पैदा करोगे देख लो भाई है कि नहीं वो मैगी वगैरह बनाने का फिर अगरबत्ती जलाओ तो मम्मी अबू से तो ये देखो समझ लो मैं टेंट कुर्सी वगैरह सब है हाँ तो मैं अपन जूता लग भूल गया हूँ ऊपर तो वहाँ ऊपर से ले आता हूँ दादू आप चढ़ गए हो ऊपर चढ़ गए हो जय जवाहर संगवारी हो आज से मोर फर्स्ट ब्लॉग और नया ब्लॉग चालू होते फिलहाल तो मैं यूट्यूब के मेंबर बनने वाला हूँ और आज से मोर शुरुआत है आज मन घूमे जाता हूँ मेन पार्ट पिकअप और साथ में जाते कौन तो मतलब मैं सरप्राइज दूँ बाद में फिलहाल तो अभी मन निकलने वाला है मम्मी ये कर रहे मैं मम्मी के हाथ में नहीं करूँगा मम्मी ही कर रहा हूँ अच्छा अच्छा सामान तीन चार प्राणी और हमारे गाड़ी कैसे हो रहा है ये देख सब जरूरी है ना इसमें सामान सब दादू आधा सामान दादू भरे रसोई के टेंट के रथ के गद्दा के चल ठीक तो ये अच्छा ये तो नरेश लाया है मेरे वीडियो बनाने के लिए करके इसको सेटअप तो चालू करते हैं चलो चल एक मिनट हटना चलो भाई आना ना भाई अंकल जी प्रणाम चलो घूमने आप लोग ये देखो संगवारी हो जा रहे थे तो दादी माँ प्यार कर रहे थे रुद्र के ठीक है मम्मी बाय बाय चलो हाथ को हटा जल्दी हुआ बंद कर दे बंद कर दो मम्मी बाय बाय निकेश तो फाइनली हम निकल गए हैं कर रहे हो यार रुद्र दिखाओ इधर दिखाओ ना इधर मुंह को दिखाओ दिखा मुंह को दिखा ना देख रहे नरेश कैसा करे रे हॉरर मूवी में मुंह को नहीं रहता है ओहो दोनों भाई आगे बैठे है मोला पीछे बैठा दे मन तो संगवारी हो अभी हमन पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप बेटा बोतल लोग को देना ना कहाँ है निकालो तो उसमें से बोतल वाला बोतल को दो ना तो ये वाला को बेटा
तो यहाँ भरने वाला हम पानी है मन है दो जितना है सब में डलवा लो फिर हम लोग पानी भर ले रहे हैं कुछ तो भर लेते हैं पानी। ठंडा है कि नहीं नरेश और तो टेस्ट को देख ले। तो यहाँ पे नरेश भरा था पानी एक एक करके दिखा पहले थोड़ा पीने दे बेटा तो ये पहला स्टॉपेज पेट्रोल पंप रही है जहाँ से हम रोक के पानी वगैरह पिया था। ठंडा तक बस ठीक है इसका पानी टेस्ट नहीं ठंडा तो रहेगा। तो चलो भर लेते हैं सब में पानी भर लेते हैं घर में कर सदी नहीं भरे कि चिल्ड वाटर पेट्रोल पंप मन में मिलत रही थे करके हो गया फुल हो गया फुल करा रहे हो क्या। तो संगवारी हो यहीं से हमन पूरा टंकी फुल करा थे ताकि बार बार रोके बार मत पड़े करके और पूरा टंकी फुल हो चुके हैं अब बस गाड़ी पैक करबो निकलबो कुछ बैग को आगे कर दो एक तरफ अभी हमन यार इसी तरफ बिछाएंगे सिंगल वाले मिस के लिए। अच्छा हाँ 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 नहीं लगेगा जी ये तो बना रहे नरेश अरे यार ये डिक्की के अंदर भी तो आ जा रहा था तो अभी ऊपर पर बना के देखो पर पापा चाचा मन है अरे आगे भी रखो ना पैर के नीचे कुछ कुछ सामान को जी मेरा बैग को निकालना है अरे वो मेरा बैग पर नहीं बता अरे मेरे हैंड बैग में है यार यहाँ पर ये नहीं है मेरा वाला बैग को निकाल दे ब्राउन कलर का हाँ उसी को निकाल इधर ही तो ये देखो ये रुद्र पर बने हैं सोए बर अरे वाह किसके लिए घर बना है रुद्र हाँ तो चलो जाओ 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 देखो हट हट इसको बिछाने दे हट तो बिछाने दे पापा को तो ये देखो इमन बनावा तो कर भर ये तू नहीं सोएगा तो मैं सो जाऊंगी रुद्र चलो लेट के दिखा दो तो बेटा वाह अरे वाह मजा आ रहा है इसको तो सामने दे दो। तो अब संगवारी हो मैं अपन पति देव अपन पास बुला ले हो और ये देखो मोर बेटा चला थे अब यहाँ से हनुमान भगवान है वो लगा ले यार सीट बेल्ट लगा नहीं हनुमान न है वो लक्ष्मण है लक्ष्मण कौन है रे नरेश लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं मोर बेटा मोर हनुमान भगवान है लक्ष्मण भिनो है और मोर बेटा के देखो तुम मजा ही मजा है भाई भाई साहब मजा आ रहा है बाबा वो देखो तीन कैसे तकिया लगा है। तो संगवारी हो सबसे पहले हमन पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर कहे जाते कि सबसे पहले यहीं दर्शन करते फिर माता के और ये देखो नरेश वीडियो बना दे तोला में चिढ़ात रहे हों और अभी हमन सबसे पहले दर्शन करबो गाना चलत रिश्ते कर से वॉइस ओवर करत रहे हों तो हमन सबसे पहले रोड क्रॉस करत रहें रोड के ऊपर गाड़ी रखे रहें बहुत ज़्यादा गर्मी रही संगवारी हो तब बोले फिर भी सफ़र करना रही से और अभी से एकदम ज़्यादा धूप के कारण अजीब अजीब लगत रही से और नरेश आज बहुत खुश है कि वीडियो शूट करत करके तो मैं तो अंदर जाके पूजा नहीं कर पाऊँ बट नरेश और उकर भैया मन पूजा करी चलो मैं मंदिर अंदर से आप मन ला दिखाता हूँ वैसे तो ये क्षेत्र के मन छत्तीसगढ़ के मन भैरव बाबा के मंदिर आए हो फिर भी आप मन ला एक बार दिखाता हूँ तो चलो चलता अंदर और आप मन भी देखो मंदिर चलो एकर आगे आप मन ला एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जब मैं मंदिर आया हूँ ना संगवारी हो तो यहाँ कुछ चीज़ देखे हूँ कि यहाँ ना दादी मन बैठ के ए मेर शिवलिंग बनात रही से और वो भी 18 लाख शिवलिंग बनावा थे मेर और ये हरे प्रवेश द्वार भगवान के और इति बार देख सकते हो शनिदेव के मंदिर भी आप मान लो दिखा देता हूँ ये देखो ये हरे शनिदेव के मंदिर और शनिदेव एक
मतलब बहुत मानता हूँ भगवान ल में, यहाँ शनि काबर के मुला हमेशा साढ़े सात ही थे। जस्ट एती पर है रतनपुर मंदिर में, यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर में तालाब जहाँ मछली मन के खिलाए रही है। देखो मेरे मुर्रा भी कत रही थे और ये बहुत सुंदर से तालाब है ये मेर। और रतनपुर ऐसे भी तालाबों की नगरी भी कहे जाते, बहुत सारा तालाब है। और यहाँ पर कुछ कुछ चढ़ाए वगैरह के और कुछ कुछ लेबर भी बिकत रही थे फोटोज़ वगैरह। और ये दादी है ना, देखकर सिर ला देखो, सबसे पहले तो इतना काहरे सोचत रहे हो मैं। हम संगवारी हो, हमारे नेक्स्ट स्टॉपेज है बावली कुआ, रतनपुर के जिन बावली कुआ है वहाँ हमें देखे बार आए हैं। ये तो कहाँ खेत खेत तरफ जा रहे हैं, कुआ है यहाँ पर बावली कुआ है, क्या खास बात है यहाँ के? मैं तो आज तक नहीं देखे रहा हूँ, बट ये पहली बार देखूँ। और का चीज़ें का खास बात है तेल, चलो देखते हैं यहाँ के बावली कुआ। तो चलो चलते हैं, ये अंदर तो आ ही जाता है क्या? तो चलो आओ दिखाता हूँ। मल्ला सांप है बेटा अंदर में रुद्र। तो ये हरे बावली कुआ, अब का खास बात है मोला नहीं पता, चलो पूछ तो पहले बताओ क्या देखो बेटा, का खास बात है पहले बता। नहीं ना मत करो, बताने यार यही है बावली कुआं, आओ ना नीचे चलते हैं, चलो अंदर जाना है का? तो चलो चलते हैं, चल बेटा। दोस्तों अभी हम हैं रतनपुर के बावली कुआं में। रतनपुर में दो बावली कुआं हैं, लोग अभी तक एक ही बावली कुआं जानते हैं जहां पर अभी हम हैं, और एक बावली कुआं है रतनपुर के महामाया मंदिर के जस्ट पीछे में। और यहां बावली कुआं इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहां पर सतखंडा महल है, जो रानी महल है वहां से रानी जो है यहां पर आके नहाया करती थी। यहां दो चैम्बर बना है, यहां पर दो चैम्बर बना है, शायद यहां पर हो सकता है संभवतः यहां पर रूम कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए या गर्मी के दिनों में यहाँ पर आराम करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान समय में ये बिल्कुल एसी की तरह काम करता है, अभी यहाँ के लोकल जो है यहाँ पे आके आराम करते हैं, उसके लिए बिस्तर बिछा हुआ है। और ये कुआं है, ये कुआं में बारह माह पानी रहता है, तो हो सकता है संभवतः यहाँ पर आके यहाँ पर गर्मी के समय में समय बिताते रहे होंगे। और ये कुआं का संबंध बताते हैं बिलासपुर के जो बावली कुआं है वहां से भी जोड़ा जाता है, ये यहाँ से सुरंग जो है बिलासपुर तक जाता है। यहाँ पर कलचुरियों ने लगभग 700 साल तक शासन किया, तो हो सकता है जब आक्रमण करते होंगे तो यहाँ से लोग भागकर बिलासपुर जाते होंगे, मतलब राजा लोग छुपके से सुरंग के रास्ते बिलासपुर जाते होंगे, इसलिए ये सुरंग को बनाया गया था। वर्तमान समय में अभी भी अच्छी हालत में है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे ख्याल से आके गंदगी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चिप्स वगैरह खा के रखे हैं, मेरे को लगता है यहाँ के लोग कोई शराब वराब भी पीते होंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे। तो संगवारी हो, अभी हम आ चुके हैं रतनपुर के मंदिर, और मंदिर के दर्शन करे के बाद हमें लगी से भूख, तो यहाँ ना प्रसाद वितरण होते, भोजन प्रसाद वितरण होते केवल मात्र 20 रुपए में। ते में आप मतलब मीठा भी रही, पूड़ी भी रही, दो प्रकार के सब्जी भी रही, चावल भी रही, और वो साइड लाइन जिन दिखत ना वहाँ मिलते कूपन। और चलो आप मतलब अंदर दिखाता हूँ अंदर कहाँ बैठ के खाते करके। तो मतलब अगर आप आते हो तो आपके पास होटल जाके नहीं खाना है, तो यहाँ बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी खाना मिलते हैं यहाँ। और बिलासपुर के बिलासपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर से सिटी बस भी चलते, तो वहाँ से आप मन दर्शन करे बार आ सकते हो। और ये देखो यहाँ मिलते खाना, और ये पूरा यहाँ पर बेंच वगैरह लगे है, और खाना बहुत टेस्टी बनते संगवारी हो, पूड़ी सब्जी पतला वाला चावल। और ये पर बहुत बड़े भंडारा टाइप के रहते, बर्तन खुद साफ करना रहते, देख सकते हो उसी पर से हमें खाना वगैरह में नहीं, और कितना बड़े बड़े पंखा वगैरह मन लगे है। कूपन दिखा नरेश। तो ये देखो संगवारी हो, नरेश ले आए कूपन, जाओ अंकल जी। कैसा बना है खाना? बढ़िया बेटा, बढ़िया है आंटी, पसंद आया? तो ये देख सकते हो सवारी हो, पूरा भीड़ है, पूरा खाना खाने वाला मन सब खावत है देख सकते हो। और ये हमर मन के खाना है, रुद्र भी खाते, ऐसा है नरेश? देखो आंटी अंकल मन भी खाते, सब खाते। तो सवारी हो, हम अब अपन नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए निकल चुके हैं, तो अब मैं पीछे आ गया हूँ लेटे पर, कबर की मुला स्वस्थ जाना है। तो अभी अब हम जाबो नेक्स्ट पाली जाने वाला है, तो आज के रुक में बेटा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो पीछे मोर पर गद्दा वगैरह लगा दिए गए हैं,
जहाँ रुद्र सोयरी से अब मैं सोने वाला हूँ। मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रही है इसी के, तो मोर मस्त नींद पड़ने वाला है अभी। और तो ठीक है संगवारी हो, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी देखे पर मिले। आज के ब्लॉग में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मन आज के ब्लॉग अच्छा लगे सोई, और अपन छत्तीसगढ़ के दर्शन पर बने रही हूँ। आप मन नवा संगवारी मन सब्सक्राइब कर दूँ, और जिला वीडियो अच्छा लगी तेनों में सब्सक्राइब कर दूँ, लाइक कर दूँ। तो ठीक है संगवारी हो, मिलूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़।